इन्हीं के पास आई हुई हूँ मैं अभी। खड़ी करना हो गई है, काम करना अपना जरा खड़े करने। दोस्तों आज मैं करूँगी टेरेस गार्डनिंग की हार्वेस्टिंग। तो ये है हमारा छोटा सा टेरेस के ऊपर किचन गार्डन, जिसमें भिंडी, लौकी और करेला लगा हुआ है। अभी मैं करने जा रही हूँ ये हार्वेस्टिंग। जैसा कि मैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा का पूरा गार्डन जो है। देखिए करेले आप देख सकते हैं लटके हुए हैं, और अभी ये थोड़े से छोटे हैं। और मैं सबसे पहले जो हार्वेस्ट करूँगी वो करूँगी मैं भिंडी को। तो आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये देखिए इसके ऊपर पौधे हमने तुरई के भी लगा रखे हैं, बैंगन के भी लगा रखे हैं। तो इस तरीके से हमने टेरेस के ऊपर जो है गार्डनिंग की है। तो अभी मैं ये देखिए भिंडी को हार्वेस्ट कर रही हूँ, आप दिखाई दे रहा हो। तो मैं ये ऐसे कैंची से, और इतनी हवा चल रही है ना कि पूछो मत। तो बहुत सारी इसमें जो है ना भिंडी हो रखी है। मैं भी इसमें ना ढूंढ ढूंढ करके भिंडी निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें भिंडी और करेला, लौकी सब एक साथ लगा रखा है। और इसके भिंडी का ना वो जो पत्ते से वो खुजली सी भी होती है। तो कैमरा साथ में वीडियो भी बना रही हूँ, अकेली हूँ मैं, भाभी अभी तक आई नहीं थी। फिर बाद में देखिए घर का जो सब्जी है उसका अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ भी करेले लगे हैं, काफ़ी लगे हैं छोटे छोटे, तो जिसको अभी नहीं हम तोड़ेंगे। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर मैं इसके बाद जो इसके ड्राई लीव्स हैं ना इनको काट दूंगी। ये जो ड्राई लीव्स और फ्लावर है ना इसका, ये भी एनर्जी लेते हैं, तो इसलिए इनको काटेंगे। तो क्या होगा, हमारी जो बेल है ना वो अच्छे से ग्रोथ करेगी। देखिए मैं कैसे ढूंढ ढूंढ करके भिंडी को निकाल रही हूँ सारी साइड में। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, अब देखिए भाभी भी आ गई, मैं तो इतने रखे रखे, अब थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पर भाभी पहले दिखाने लगी अपनी बेलें, क्योंकि ये सारी मेहनत इन्हीं की है। तो इन्होंने ये सारा, जैसे मम्मी और भाभी और भाई लगे रहते हैं, तो ये देखिए पत्ते भी तोड़ लिए हम लोगों ने। और मैंने तो जो तोड़ी थी, लेकिन भाभी अभी और तोड़ रही थी। और ये पत्तों को ये फेंकेंगे, कोई काट तोड़ेंगे भी तो नहीं, पर कपड़े में डालेंगे, जब ये सूख जाएगा तो फिर इसकी जो है खाद बन जाएगी। तो इस तरीके से बहुत मेहनत करती है भाभी, माँ, भाई, सभी लोग। और मैं आई हुई थी तो ये हार्वेस्टिंग मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ और कर। तो ये देखिए व्यू मेरे माइक की साइड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एकदम छत। सो दोस्तों यहाँ देखिए मैं छत पे हूँ। ये है हमारा पीछे जो है किचन गार्डन, जो भी मैंने जिसका वीडियो आप लोगों को दिखाया। एक बड़े से जो होता है ना टैंकी, जो पानी वाली ख़राब हो गई थी, उसको काट करके इसके दो पार्ट किए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने घर की जो है रेनोवेशन की थी, तो वो जो रोशनी के लिए रखा होता है ना, ये वो है, तो उसका हमने वेस्ट यूज़ किया है। तो उसमें देखिए हमने ये जो है, ये जो ग्रीन साफ देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए मैं दिखाती हूँ, ये तो ये वो है, इसमें हमने किया। और अभी तक भाभी लोग जो हैं 6 से 7 बार भिंडी इसमें से तोड़ चुके हैं, लगभग आधा केजी और केजी जो है हर थर्ड डे पे निकलती है। तो आज मैं आई थी, ये तो देखिए यहाँ भाभी भी साथ में ही है। तो अभी ये भिंडी लेके जा रहे हैं, अभी हम काटेंगे, बनाएंगे, और आज हमें नाश्ता यही मिलेगा, क्योंकि रात की मैं इधर आई हुई हूँ ना, बर्थडे था भाभी के बेटे का, मैंने बताया था ना कि बच्चे मेरे पास आए हुए हैं। सो अभी हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो है हमारे घर का नीचे से। और अभी हमारे घर का जो काम चल रहा है ना, तो जैसे ही हमारा ये काम ख़त्म होगा तो मैं अपने मायके घर का जो है होम टूर करवाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम भिंडी बना करके खाते हैं,
यहाँ देखिए, तो आज भी हमने सुबह सुबह यही काम किया है। भिंडी देखिए, भिंडी एक मिनट पर जाए, रुक जाए, यदि फोटो ला रही है तो यही थंबनेल होगा आज मेरा। ओके ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये जो मेरी भाभी है ना, डॉक्टर सरवण कौशल जो है, उनका चैनल है, आप उन पे भी विजिट कीजिए। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे भाई हैं तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जाइए। बड़े एंटरटेनिंग जो हैं वीडियो बनाते हैं डांस के, तो आप एक बार विजिट जरूर करना। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं, डॉक्टर कौशल को लाइव में आते थे, सो आप लोग जरूर जाइएगा। तो ठीक है, बाय बाय। ये मैं नीचे आ गई हूँ, तो बाहर जो बरामदा होता है ना कॉरिडोर, उसमें भी नीचे भी लगा रखे हैं। इसमें देखिए कितने बड़े बड़े करेले लगे हुए हैं। ऊपर अभी छोटे थे छत पे, और यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े लगे हुए हैं। यहाँ बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, बैंगन में फूल, और देखिए बैंगन भी आ रखा है, और मिर्ची लगा रखी है। तो इस तरीके से जो है गार्डनिंग कर रखी है, छत के ऊपर भी और बाहर में भी। यहाँ पर भी देखिए लौकी की बेल है, तो ये लगी हुई है मिर्ची। अभी मैं इसको तोड़ती हूँ। तो ये देखिए मिर्ची का पौधा, और इसके साथ इतनी मिर्ची लगी हुई थी। तो अभी मैं घर आई हूँ ना, तो ये अब जो मिर्ची है ये मैं लेके जाऊँगी। पर बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तीखी है, हद से ज़्यादा, जिसको तीखा बोलते हैं ना, तो वो है। मैं तो वैसे इतना तीखा खाती नहीं हूँ, एक नीचे गिर गई, बट फिर भी मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि घर की मिर्ची है और खाने में तो अच्छा लगेगा ही। और करेले अभी जो है ना छोटे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि जो बड़े वाला एक है तोड़ के ले जाओ तुम अपने खाने के लिए, बट वो मैं नहीं करूँगी। तो आज का इतना सा ही है व्लॉग। ये देखिए मेरी माता, इन्हीं के पास आई हुई हूँ मैं अभी। खड़ी करनी होगी, काम करना अपना, जरा खड़ी करनी खड़े हो गए कि वीडियो बनेगा मैं। और ये अभी हमारा घर, ये देखिए अंधेरा, सब लगे हुए हैं, और मैं अपना काम कर रही हूँ कि भिंडी तोड़ के ले जाओ, और ये मिर्ची। सो ये देखो अभी ये सारी भिंडी का आज हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो किचन गार्डन का इतना ही फायदा है, बहुत टेस्टी बनती है भिंडी। किचन में थोड़ा सा आ रहा है, मैं बाद में कभी होम टूर करवाऊंगी अपने घर का ना, फिर दिखाऊंगी घर। सो फाइनली दोस्तों देखिए भिंडी को बना लिया है, तड़का लगा दिया है, और अभी देखिए ये हमारी गार्डन की जो भिंडी है बनके तैयार हो गई है टेरेस गार्डनिंग की। तो अभी हम इसी के साथ ही नाश्ता करेंगे, और उसके बाद मैं आ जाऊंगी अपने घर। फ्रेश भिंडी का अपना ही मज़ा होता है, और आप लोग भी अगर लगा सकते हो, टेरेस है आपके पास, बालकनी है, तो ज़रूर गार्डनिंग करिए। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा और भतीजा क्या पखंड कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।